ये देखिए रोज रात में भी कितना सुंदर है दिख रहा है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग को सभी को फाइव फिंगर ब्लॉग में स्वागत है। आज हम न्यू ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, देखिए क्या बनाते हैं। अभी कुछ तो सोचे नहीं है, अभी तो हम छत पे जा रहे हैं क्योंकि रात हो गया है और दरवाजा भी बंद करना है क्योंकि जो काम करने वाला था वो काम करके चला गया, दरवाजा बंद किया ही नहीं, तो हमको सीढ़ी चढ़ के छत पे जाना पड़ रहा है। और आगे आगे मेरे पति देव जा रहे हैं, पीछे पीछे हम जा रहे हैं क्योंकि अकेले छत पे जाने में हमको डर लगता है। सोने से पहले हमको बहुत चीज़ देखना पड़ता है, छत का दरवाज़ा देखना पड़ता है कि बंद है कि नहीं, और पीछे का गेट भी देखना पड़ता है, आगे का गेट देखना पड़ता है, बहुत चीज़ देखना पड़ता है। और नहीं देखने से फिर हम रिस्क भी है चोरी होने के लिए, इसलिए हमको सोने से पहले हमको कम से कम आधा घंटा तो हम सब जगह का लाइट और बत्ती बंद करने में हमको लग जाता है। छत पर चढ़े हैं, पूरा सांस फूल रहा है मेरा, बहुत ऊपर है। ये देखिए रात में भी पान का पत्ता कितना सुंदर दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए रोज भी है। ये मेरे बजरंग बली भी है। ये छत पे आए तो मेरे दिमाग में एक बात और आ गया, ये देखिए तुलसी जी का है और कितना मंजल है इसका फूल है। सोच रहे हैं कि कल इसी के हम तोड़ करके माला बनाए और विष्णु भगवान जी को पहनाएं। और सावन का महीना भी चल रहा है, इतना अच्छा दिन भी है, देखिए बना पाते हैं कि नहीं। हम तो आज ही सोचे थे बनाने के लिए, ये देखिए कितना सुंदर फूल है, लेकिन नहीं बना पाए, हम भूल गए। लेकिन अब ऊपर आए तो फिर ध्यान आ गया, तो सोचे कि कल बना लेते हैं, और अगर जल्दी काम हो गया तो मंदिर भी जाएंगे। ये देखिए रोज रात में भी कितना सुंदर है दिख रहा है, ये लाइट से भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए फूल भी कितना सुंदर खिला हुआ है। अगर ये आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ऐसे ही सपोर्ट बना रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।